Hello everyone, you are watching video on Hibernate. This is the lecture number 17 on Hibernate. In this video, we will discuss named queries and these named queries we will write for HQL Hibernate query language. So let us get started now. Uh, very first, we will try to understand exactly what is the requirement of named query. सो एज रिटर्न ओवर ही क्वेरीज एट अन्ट्रल लोकेशन जो हाइबर नेट नेम्ड क्वेरीज है वो हमें क्या फैसिलिटी देगी वह हमें एक ऐसी फैसिलिटी देगी जिससे हम जो भी क्वेरीज हमें यूज करना है उसको एक सेंट्रलाइज लोकेशन पर लिख देंगे और फिर वो सेंट्रलाइज लोकेशन पर लिखी हुई क्वेरीज को हम अपने पूरे एप्लीकेशन में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं सो so, यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि जो क्वेरीज है उनको एप्लीकेशन में हर जगह लिखने की बजाय मतलब जिस भी फाइल में जिस लाइन नंबर पे हमें रिक्वायरमेंट है वहां लिखने की बजाय एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे हम उसको लिखें और फिर जहां भी कोड में अपने हैबेनेट एप्लीकेशन में उसकी रिक्वायरमेंट है वहाँ उसको यूज कर लें पर उसके लिए जब हम सेंट्रलाइज लोकेशन पे क्वेरी लिखते हैं तो उस क्वेरी को एक नेम देना पड़ेगा और उस नेम को फिर हम अपने एप्लीकेशन में कहीं पे भी यूज करेंगे सो so दैट Uh, वो नेम के करस्पॉन्डिंग जो भी क्वेरी होगी वह उस लोकेशन पे एग्जीक्यूट हो जाएगी ओके सो नाउ दिस इज द ऑफ़ योर क्वेरी अब नेम्ड क्वेरी को हम कैसे क्या कै लिखेंगे वह एक प्रोग्राम बनाकर हम समझें ओके सो यहाँ पे हम एक प्री क्रिएटेड हाइबरनेट प्रोग्राम यूज करेंगे uh, इसमें एक बीन क्लास है एम्प्लाई जो की डेटाबेस टेबल से मैप्ड है अब मान के चलिए कि अपने हाइबरनेट एप्लीकेशन में हमें डिफरेंट प्लेसेस पे एम्प्लाई से रिलेटेड कोई क्वेरी लिखना है कि okay? कोई भी क्वेरी लिखना है तो वो एम्प्लाई से रिलेटेड जितनी भी क्वेरी की रिक्वायरमेंट है उन क्वेरीज़ को हम यहाँ पे अनोटेशन को यूज़ करके इस बीन क्लास के साथ में लिख देंगे और जहाँ पे भी एप्लीकेशन में रिक्वायर्ड रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे इसको यूज़ कर लेंगे तो सबसे पहले तो हम यह देखें कि वह जो नेम्ड क्वेरी है वो को हम यहाँ पे लिखें कैसे तो उसके लिए हमें एक अनोटेशन यूज करना पड़ेगा और वो अनोटेशन है नेम्ड क्वेरीज फाइन तो सबसे पहले एम्प्लॉई बीन जहां हमने क्रिएट किया हुआ उसी फाइल में क्लास लेवल पे हमने एट द रेट नेम्ड क्वेरीज अनोटेशन को यूज किया तो यूजिंग एट द रेट नेम्ड क्वेरीज अनोटेशन हम नेम्ड क्वेरी लिखेंगे आप इसमें नेम्ड क्वेरीज में जितनी भी एम्प्लॉज रिलेटेड क्वेरीज की रिक्वायरमेंट है उन सबको लिख सकते हो फाइन तो उसके लिए यहाँ पे आप एक करली ब्रेकेट ओपन क्लोज लिखें मतलब आप लिस्ट ऑफ क्वेरीज पे दे सकते हो अब क्वेरी लिखने के लिए फिर से आपको अनोटेशन यूज करना पड़ेगा दैट इज ने क्वेरी ये नेम्ड क्वेरी अनोटेशन मैंने यहाँ पे लिखा अब इसमें नेम्ड क्वेरी में एक एट्रीब्यूट है नेम इस एट्रीब्यूट में आप क्वेरी को जो नाम देना चाहते हैं वो लिख दो एंड देन इन द नेक्स्ट स्टेप जो क्वेरी लिखना है उसको आप क्वेरी एट्रीब्यूट के थ्रू प्रोवाइड कर दो फाइन तो यहाँ पे जैसे मुझे लिखना है एम्प्लॉय uh, के सभी रिकॉर्ड को सिलेक्ट करने के लिए क्वेरी तो उसके लिए जैसा हम जानते हैं कि एचक्यूएल में लिखते हैं फ्रॉम एंड देन द बी नेम फ्रॉम एम्प्लॉय यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा हम ये जो नेम्ड क्वेरीज लिख रहे हैं वह के लिए लिख रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्वेरी लिखना पड़ेगा ओके okay? तो क्वेरी मैंने लिखा फ्रॉम एंड इज नेम अब यह जो क्वेरी हमने लिखा हुआ है using query attributes, उसको हमने नाम दिया हुआ है select all. यदि आपको अदर क्वेरीज भी लिखना है तो यहां पे कॉमा लगा के बाकी की क्वेरीज भी आप लिख सकते हो तो पहले तो मैं इसी क्वेरी को एग्जीक्यूट कैसे क्या करेंगे वो बताता हूँ तो ये क्वेरी हमने लिखा नाउ ओपन द मेन क्लास और उसमें इस को यूज करने के लिए सबसे पहले आप क्वेरी इंटरफेस का एक रेफरेंस बनाए क्वेरी क्यू इक्वल एस डॉट गेट और गेट नेम्ड क्वेरी में यहां पे आप क्वेरी को जो नाम आपने दिया है सिलेक्ट ऑलिफी रिमेम्बर है ना एक बार मैं फिर से बता दू क्वेरी क्यू इक्वल एस डॉट गेट नेम्ड क्वेरी मेथड आपको कॉल करना है और यहां पे क्वेरी का नाम लिखना है लेक्ट ऑल सेल ऑल जो मैंने दिया हुआ है। एक बार फिर से बता just look here, ये all लिखा हुआ है ना? तो ये हमने लिखा अब ये query execute हो जाएगी। अब इस query के against जो भी record हमें मिलेगा उसको करवाने का हम code लिख दें। so list of employee, तो ये मैंने लिखा लिस्ट ऑफ एम्प्लाई एल एस टीवल क्यू डॉट लिस्ट एंड देन यहां पर लिस्ट के रिकॉर्ड को शो करने के लिए एल एस टी डॉट फॉरिच मेथड मैंने कॉल कर लिया यहां पर हम लेमडा एक्सप्रेसन यूज कर रहे हैं सो दिकॉर्ड कैन बी सोन तो ये लिस्ट के सभी रिकॉर्ड्स को हम शो करवा रहे हैं नाउ लेटेस्ट रन द प्रोग्राम सो दैट वी कैन टेस्ट इट लुखिया सिलेक्टर इज रिटर्न और जो रिकॉर्ड्स है

एट द रेट नेम्ड क्वेरीज में यहां पे मैंने कॉमा लगाया एंड देन एट द रेट नेम्ड क्वेरी एक क्वेरी और लिख देंट द रेट नेम्ड क्वेरी नेम और सपोज मैंने लिख दिया यहां पे सिलेक्ट नेमे okay. और क्वेरी में सपोज मैंने लिख दिया सिलेक्ट ई एम पी नेम

सेल ऑल की जगह सेल नेम मैंने लिख दिया जो कि दूसरी क्वेरी का नाम है एंड देन ऑब्वियसली वहां पे हम एक uh, प्रॉपर्टी की वैल्यू सिलेक्ट कर रहे हैं सो जो लिस्ट मिलेगी उस प्रॉपर्टी के टाइप यानी स्ट्रिंग टाइप की मिलेगी तो मैंने यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग दे दिया बाकी कोड एज इट इज रहेगा सो लेटेस्ट रन एंड टेस्ट एड सो रन एज जावा एप्लीकेशन लुक हियर So यहाँ पे हमने एम्प्लॉय से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज लिख सकते हैं उन क्वेरीज को नाम दे सकते हैं और फिर हमारे हाइबरेशन में जिस भी क्वेरी की हमें रिक्वायरमेंट है वहां पर उस क्वेरी को हम उस नाम से यूज कर सकते हैं दिस okay? वीडियो so